इस साइड आ जाइए मैम, वो आगे की फ्लाइट है, इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाओ, बस बस इधर ही। ऐसे हो सब लोग? सब ठीक। सबको बिग बॉस का फीवर उतर गया है या अभी नहीं उतरा? अभी तो एक दो महीना चलेगा फीवर। डॉलर आ रहा है, डालो हम लोग को। क्या कहना चाहोगे मुनार के बारे में? उसी को जीतना था, मैं तो उसी से पहले से सपोर्ट कर रही थी, घर के अंदर भी बाहर भी। और आपने रैली देखी रहेगी बिग बॉस अपना मुनार की? हाँ। कैसे क्या लगा, कैसे लगा? उसका फैन फॉलोइंग का प्यार है, फैन का जो वहाँ यहाँ तक लेके आया उसको, इससे ज़्यादा क्या बढ़िया होगा। पूरे बिग बॉस में सब लोग बोल रहे थे कि अंकिता लोखंडे टॉप तक जा सकती है, पर कोर्ट में मतलब इविक्शन हो गया, उनका क्या कहना चाहोगे? अल्टीमेटली इट्स अबाउट फैन वोटिंग है, हो गया, अभी वो आगे बढ़ना चाहिए। गेम के हिसाब से देख रहे थे तो अरुण भी था, मनाला चोपड़ा थी, तो उनके तो नहीं ट्रॉफी जीत सकते ना। नहीं मतलब उनके उनके आगे देख रहे थे अंकिता लोखंडे को, अपने आप को। हाँ अंकिता के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मैं भी तो सोचती थी ना कि मुझे भी टॉप फाइव में। सबको शॉकिंग इविक्शन लग रहा है क्योंकि सबको टॉप पे लग रहे थे अंकिता जी, और मतलब मुनावर और अंकिता ही टॉप पे आ सकते ऐसा लग रहा था सबको। यही तो बिग बॉस है ना, ट्विस्ट तो होना चाहिए ना लाइफ में, सबको जो लगता है वो होता नहीं है ना। एंजॉय करो सबको, उनको एंजॉय करने दो, कंटेस्टेंट को टॉप फाइव तक पहुँचे वही बहुत है। मुझे भी था तो मैं ट्रॉफी जीतूंगी ऐसा था, इट्स ओके, गेम है, कोई हारता है कोई जीतता है ना, वो नहीं लेना चाहिए। और कुछ अपकमिंग? मीडिया लोग ही आग लगाते हैं सब। और अपकमिंग कुछ आपका? अपकमिंग वेट करो, कुछ ना कुछ होगा ही, अच्छा ही होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। सरप्राइज एलिमेंट रहने दो यार, सब कुछ हम लोग बता देंगे तो तुम क्या करोगे, कुछ रहना ना सरप्राइज, ठीक है? ओके, भी आएगी। Yes. So, thank you so much. Thank you guys.